से लेडीजों से हाथ चुमाना खूब रहा है, साबित करो कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है साबित करो ना। तुम्हारे आला हजरत की किताब में या अख्तर रजा की किताब में या सिप्तान रजा साहब की किताब में लिखा है तो साबित करो, अपनी औकात में रहो। बता दे रहा हूँ तुम ना, हम हाशमी मियाँ के खिलाफ तो मैं मदनी मियाँ का मुरीद हूँ, मैं मुरीद मदनी मियाँ का हूँ, पर मैं खानवादे अशरफिया के खिलाफ में नहीं सुन सकता, याद रखना। तुम्हारी गांड में घुस के निकल जाऊंगा, याद रखना मेरे को। हाँ, मेरे को बदतमीजी में उतरने में वो मत करो, अपनी औकात में रहना। ना आलमगीर मियाँ के खिलाफ सुनूंगा, ना महमूद मियाँ के खिलाफ सुनूंगा, ना हाशमी मियाँ के खिलाफ सुनूंगा। पेटी वाले लड़के, अरे पेटी वाला लड़का कुछ भी रहे, तुम्हारा काम है कोई जो सामान लेने आ रहा है चाहे वो रिजवी है चाहे वो अशरफी है, चुपचाप सामान दो भेजो। मखदूम पाक से मोहब्बत कर रहे हो और उनकी औलाद को उल्टा सीधा बोल रहे हो, जान सच्चा है। और उनकी औलाद, मैं भी आला हजरत से मोहब्बत करके उनकी औलाद को गलत बोलूंगा तो कैसा लगेगा तुम्हारे? तो ऐसा है, तुम्हारे पीरों के बारे में ना हजारों ठोम प्रूफ लाऊंगा। हमारा पीर कोई मुरीदाओं के साथ गले में हाथ डाल के फोटो नहीं खिंचाता है, पर तुम्हारा पीर खिंचाया है। आज हमने 650 साल से तमाम अशरफियों ने मखदूम पाक की दरगाह संभाल के रखे, तुम्हारे पीर लोग ना 3 करोड़ रुपए में दरगाह आला हजरत का सौदा करने योगी के पास हमारा पीर नहीं गया, तुम्हारा पीर गया है। हमारे को भी बहुत सारी चीजें मालूम है, हम नहीं बोलते क्योंकि हमारे पीर ने यही सिखाया है कि अपने पीर को छोड़ना नहीं और दूसरे के पीर को छेड़ना नहीं। तो अपनी औकात में रहकर काम करो, धंधा करो, नहीं तो यूपी भेजने में 10 मिनट लगेगा तुम्हारे को, और उसी यूपी में किचौचा है याद रखना, वहां पर भी बच नहीं पाओगे। 4 दिन का सिलसिला है तुम्हारा, जिस सिलसिले से वाबस्ता हुआ है ना, हम 800-900 हजारों साल पुराने वाले सिलसिले से हाथ जमा के रखे हुए हैं। शान में गुस्ताखी तो करना ही नहीं है, खुद कर रहे हो। हाशमी मियां बुजुर्ग नहीं है? नहीं तो हाशमी मियाँ के जैसा इल्म रखते हो क्या? हाशमी मियाँ के गैर जरूरी बाल के बराबर की तुम्हारी औकात नहीं है, महमूद मियाँ के बाल के बराबर की औकात नहीं है तुम्हारी, जो है वो नहीं। अब गांडपट्टी बोलने के टाइम में क्यों नहीं बोल रहे थे? मैं अभी बोला तो तुम्हारे पीर के बारे में कुछ उल्टा सीधा तुमको बोल रहा हूँ, 1000 प्रूफ लाऊंगा तुम्हारे पीर के बारे में। अख्तर रजा साहब से मुरीद हो कि सिप्तान रजा साहब से मुरीद? सिप्तान रजा साहब के बारे में कुछ उल्टा बोल रहा हूँ मैं? क्यों बोलिएगा? क्यों? उनकी भी हजारों टोंग गलती गिना सकता हूँ, प्रूफ के साथ दलील के साथ दूंगा। अख्तर रजा साहब की भी दलील के साथ हजारों गलती सुना दूंगा। कुफर की बात करते हो, कुफर का फतवा तो अख्तर रजा साहब के ऊपर में है, निजामुद्दीन सरकार के ऊपर वज्द के ऊपर से उन्होंने किताब लिखे है। अब हम बोले क्या कुफर में उनका विशाल हुआ है? हम बोले? अब प्रूफ भी करके दिखाएंगे, प्रूफ के साथ बात करता हूं मैं, बिना प्रूफ के ना कुछ नहीं बोलता, यही बोल रहा हूं। अगर अपनी औकात में रहना है तो रहो, नहीं तो रायपुर से भेजने में टाइम नहीं लगेगा। याद रखना, जितने भी रिजवी है सबको खड़े कर लेना, अशरफियों का झाट का बाल नहीं उखाड़ सकते रिजवी लोग। अपनी औकात में रहो और समझदार, और भी माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे ये बताओ। मैं उससे जो है ना मजाक में ऐसी बोल दोगे, मजाक में मैं सिप्तान रजा साहब को गाली बक दूंगा तो तुम झेल लोगे? ठीक है, मैं मेरी बात सुनो, मजाक में सिप्तान रजा साहब तुम्हारे पीर को गाली बकूंगा तो तुम बर्दाश्त करोगे? है जो चीज उड़ती उड़ाई खबर मत बोले करो, कोई हाशमी मियाँ मदनी मियाँ लोग कोई लेडीज का हाथ नहीं चुमवाते, गमछा रहता है गमछा चुम के निकल जाओ बोलते है, समझे? अपनी औकात में रह के काम करो, दाढ़ी टोपी लगा के रखे हो ना, जुम्मा 4 दिन हुआ है रायपुर में आके बसे, और हम लोग प्रॉपर रायपुर के बाजे वाला हूँ, गांड फाड़ घुस के बाजा बजाऊंगा तुम्हारी गांड में। मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी हाशमी मियाँ मदनी मियाँ के बारे में एक वर्ड नहीं बोलना, तुम्हारे को बता दे रहा हूँ, तुम्हारी माँ चोदने में टाइम नहीं लगेगा मेरे को, समझे? अरे हलाल औलादी नहीं हो तुम जो सैयदों के खिलाफ बोले, अगर तुम हलाल औलाद होते ना तो सैयदों के खिलाफ नहीं जाते थे, समझे? अपनी औकात में रहो, घूर के मत देखो, अभी वही आग निकाल के ना कंचा खेलूंगा यहाँ पर, घूर के मेरे को मत देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर गांडू रहता ना तो अकेला नहीं आता, कुत्ता हूँ मदनी मियाँ का कुत्ता, तुम जैसे तुम जितने शेर बन रहे हो ना बन लो,
अवकाश में रहो और अभी वीडियो बना रहा हूँ, माफी मांगो तीनों का नाम लेके कि मैं आसमी मियाँ, महमूद मियाँ और आलमगीर मियाँ के खिलाफ में जो बोला हूँ उससे मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ करिए। बोलो मांगोगे कि नहीं मांगोगे, बाकी फिर शाम के तमाशा होगा। मैं इससे अपनी जो मैं बोला हूँ इससे मैं वापस लेता हूँ, है ना? मेरे से नहीं नहीं, कान पकड़ के उठक बैठक करो भाई, आप दे नहीं सकते, बैठो उठक बैठक करो। अब कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो।